हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्स अप, जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, हाउ टू चूज द राइट और हाउ टू चूज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है आज के डेट पे इंडियन यूथ, इंडियन बिजनेस ओनर्स और इंडिया के यंग एंटरप्रेन्योर्स कि कैसे हम एक चूज करें। हमारे एकेडमी में जो भी आता है ना, सबसे पहले क्या पूछते हैं पता है कि यार हमने ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है फलाना इंस्टीट्यूशन से, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे हम सिलेक्ट करें, कैसे चूज करें। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं फिर भी हमें राइट डायरेक्शन, राइट क्रेडिबिलिटी नहीं मिल पाता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप परेशान हो कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया को मैं टटोलूं, क्या क्या यू नो फैक्टर्स को मैं यू नो कंसिडर करूं बिफोर आई चूज ए राइट इंटरनेट मार्केटिंग प्रोग्राम या डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम जो कि मेरे करियर के लिए बेस्ट फिट हो सकता है, जो भी आपका करियर या बिजनेस गोल है उसके साथ बेस्ट फिट हो सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इट्स ए कंप्लीट अनबायस्ड वीडियो, ए कंप्लीट अनबायस्ड वीडियो होने वाला है। नो प्रमोशन, नथिंग। इस वीडियो को कंप्लीटली गौर से देखिए, ये आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कोर्स प्रोवाइडर को चूज करने में आपको हेल्प करेगा। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द बोर्ड। तो सबसे पहला फैक्टर है, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोग्राम होने वाला है वेदर इट इज ए रिकॉर्डेड मटेरियल और ए लाइव मटेरियल। देखो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है ना जो हर महीने दो महीने में चेंज होता है। अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं यार, एवरी क्वार्टर देर आर मल्टीपल अपडेट्स जो कि गूगल के रैंकिंग फैक्टर को इंपैक्ट करते हैं। प्लस एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म की बात करूं तो एवरी वंस इन ए व्हाइल यू नो एक नया ऑब्जेक्टिव ऐड होता है, प्लेटफॉर्म के यूआई चेंज हो जाते हैं। There are lot of new platforms, जैसे अभी पॉडकास्ट आ गया, अभी क्लब हाउस आ गया, नए नए प्लेटफॉर्म्स ऐड होते हैं, नए नए इंडस्ट्रीज भी आ रहे हैं। सो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर जस्ट टेकिंग अ रिकॉर्डेड मटेरियल ना, आप जो भी नॉलेज लोगे, यू आर नॉट श्योर कि ये रिकॉर्डेड मटेरियल कितना अपडेटेड है। ये 3 महीना पुराना है, 6 महीना पुराना है, 1 साल पुराना है, या पता नहीं 5 साल से वो रिकॉर्डेड मटेरियल वो सेल कर रहे हैं। लाइव सेशन में जब आप लाइव चीजों को लाइव डैशबोर्ड पे, लाइव यू नो प्लेटफॉर्म्स को सीखोगे ना, यू गेट द अपडेटेड इंफॉर्मेशन। सो मेक श्योर गाइज, इट शुडंट बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी लाइव। लाइव होना बहुत जरूरी है। लाइव यार, यू नो लाइव में एक पर्सनल टच बनता है यार। एज अ ट्रेनर मेंटर आई नो दैट एक लाइव सेशन में जब आप अपने मेंटीज को, अपने यू नो स्टूडेंट्स लोगों को जब फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हो ना, एक कनेक्ट बिल्ड होता है, और मेंटर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका जो जर्नी कवर होने वाला है ना इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, ये किसी इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं होने वाला। आपका जर्नी कवर होगा एक मेंटर या ट्रेनर के साथ, जो आपका गाइड बनेगा, आपका बीकॉन बनेगा वो। सो मेक श्योर कि लाइव इंटरेक्शन होना जरूरी है। प्लस आपको यह भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि लाइव सेशन में यार, लाइव सेशन में बैठे हुए 100-200 लोग। मैंने अपने करियर में बहुत सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में एज ए गेस्ट फैकल्टी यू नो ट्रेन किया है, जहां पे मैं देखता था यार 80 लोग, 100 लोग, 150 लोग बैठे हुए। यार भेड़ चाल में मजा ही नहीं आता है ना, ट्रेनर को मजा आएगा कनेक्ट बनाने में, ना यार स्टूडेंट को मजा आएगा डाउट पूछने के लिए। अगर स्टूडेंट अगर कोई बैठा हुआ है, अगर कोई डाउट भी आता है ना, वो हिचकिचाएगा यार, इतने भीड़ में मैं क्या डाउट पूछू, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो रिकॉर्डेड या लाइव, आई विल से चूज अ लाइव क्लास, चूज अ लाइव क्लास। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट क्लियरिंग का फॉर्मेट क्या है। गाइज, यू नो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ट्रेन करने के बाद यू नो एक लूप होल पता चला कि यार जब आप स्टूडेंट्स कोई असाइनमेंट देते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट का सेशन हुआ है, सेशन के बाद यू नो स्टूडेंट्स घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के दौरान रियल टाइम अगर कोई डाउट आता है तो वो ट्रेनर को रीच आउट नहीं कर सकते, उन्हें वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल गैप है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस ओनर हो और जो भी आप लर्निंग ले रहे हो, आप उसे अपने रियल टाइम क्लाइंट प्रोजेक्ट पे या रियल टाइम अपने बिजनेस में उसे इंप्लीमेंट कर रहे हो और आपके डाउट्स निकले, तो डाउट्स का आपका क्या फंडा है, कैसे आप वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हो विथ योर मेंटर और विथ योर टीचर और विथ योर इंस्टीट्यूशन, वो डाउट्स क्लियरिंग का फॉर्मेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। गाइज यार, यू नो कुछ भी चीज सीखते हैं तो यार डाउट तो आएगा ही, ठीक है, कुछ भी चीज सीखते हैं तो कॉम्प्लिकेशन आएगा, आप अटकोगे। जब तक आप अटकोगे नहीं, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग। उस ग्रोथ के पाथ में ना कहीं पे भी अटकोगे तो डाउट कैसे क्लियर करोगे, क्वेश्चंस कैसे पूछोगे, हाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू आस्क दिस टू योर यू नो यू हैव टू आस्क दिस टू योर इंस्टीट्यूशन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, आई वुड रिकमेंड भाई ऑनलाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लाइव, ऑनलाइन लाइव इज द बेस्ट। गाइज, बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमें तो ऑफलाइन ही चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, फिजिकल क्लासरूम में बैठना। आई हैव वन क्वेश्चन टू दोज पीपल, अगर आप ऑनलाइन मेथड्स और प्लेटफॉर्म पर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप आगे जाके अपने रिक्रूटर या क्लाइंट को क्या भरोसा दिलाओगे दैट ऑनलाइन मार्केटिंग विल वर्कआउट फॉर देम।
अगर आप खुद ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे तो आगे जाके दुनिया को क्या अडॉप्शन कराओगे यार। इट्स अ वे ऑनलाइन गाइज, यू नो ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन परचेस क्यों करते हैं कोई चीज, बिकॉज यू नो ऑनलाइन हमें यू नो अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे सर्विसेज इन ए कॉस्ट इफेक्टिव वे मिलते हैं हमारे पास यू नो ऑनलाइन बहुत यू नो आप कहीं पे भी नो मैटर अगर आप दुनिया के कौन से रिमोट लोकेशन में हो आप ऑनलाइन अगर जाओगे ना यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज यू कैन रीच द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर एंड कोचेस। सो आई वुड रिकमेंड गो फॉर ऑनलाइन। देन कम्स प्रैक्टिकलिटी गाइज, ये वेब डेवलपमेंट हो कन्वर्जन एंड ऑप्टिमाइजेशन हो लैंडिंग पेज बिल्डिंग हो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट हो ईमेल सीक्वेंस हो वॉइस मार्केटिंग हो नो मैटर व्हाट यार गाइज यू नो सारे चीज को जब आप तक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। थ्योरेटिकली तो बहुत जगह यार गूगल का एक फ्री बेसिक कोर्स कहीं मिला हुआ है पीडीएफ्स वगैरह पड़े होते हैं न जाने कितने गुरुज अपना अपना रिकॉर्डेड मटेरियल्स निकाल निकाल के यार यू नो सेल कर रहे हैं बट द पॉइंट इज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन डिफर करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा था 3 महीने पहले 6 महीने के बाद वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उस तरह से काम नहीं करेगा स्पेशली अगर मैं लूँ गूगल एड्स के बारे में तो यार गूगल एडवर्टाइजमेंट के अंदर इतने चेंजेस होते हैं इतने एल्गोरिथमिक चेंजेस आते हैं इतने नए एड पॉलिसीज आते हैं ना 3 महीने पहले जो प्रैक्टिकल चीजें वर्क कर रही थी वो अभी काम नहीं करेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव टू फाइंड समवन जो कि आपको रियल टाइम में प्रैक्टिकल करा के दिखाए प्लस प्रैक्टिकल सेशन हो। दैट मीन्स जैसे कॉलेज स्कूल में आप देखते हो लैबोरेटरीज होते थे राइट कि थ्योरेटिकल सेशन हुआ थ्योरेटिकल सेशन के बाद डेडिकेटेड प्रैक्टिकल सेशन मतलब यानी यू नो थ्योरी पढ़ लिए फिर प्रैक्टिकल बैठो प्रैक्टिकल में मॉनिटरिंग होगा मॉनिटरिंग होगा मैनेजमेंट होगा कि बंदा कौन कहां फंसा क्या नहीं फंसा एंड देयर हैज टू बी रियल टाइम इंटरफेरेंस ऑफ द ट्रेनर कि यार तुम प्रैक्टिकल यहां फंस रहे हो तो यार बता के दिखाओ। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो अगर एसईओ कर रहे हो तो यार एसईओ थ्योरी वाला चीज है ही नहीं आपके पास एक रियल कीवर्ड होना चाहिए जिसको आप रैंक करा रहे हो प्रैक्टिकली ड्यूरिंग द प्रोग्राम और देख रहे हो कीवर्ड का रैंकिंग का ग्रोथ। अगर आप एड्स कर रहे हो तो आपके पास एक कैंपेन होना चाहिए एक प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए जिसे आप रियल वर्ल्ड रियल पब्लिक को प्रमोट कर रहे हो एंड यू आर जनरेटिंग ट्रैफिक इंप्रेशन रीच इंक्वायरीज लीड फॉर्म फिलअप्स ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों को ना प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप के अंडर में प्रैक्टिकलिटीज होना बहुत जरूरी है दोस्त गाइज। यही सारी चीजें हैं जो कि रिक्रूटर्स और क्लाइंट्स देखते हैं यार तुम्हारा कितना तुम्हारा ग्रास्प है तुम्हारे नॉलेज। सो प्रैक्टिकलिटी पूछो कि यार प्रैक्टिकलिटी कैसे कराओगे ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फैकल्टी एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स फैकल्टी एक्सपीरियंस यार आज के डेट पे कोई भी 15 16 17 18 साल का बच्चा आता है कहता है कि यार आई एम ए मिलियनेयर गाइस स्कैम है स्कैम। यू नीड टू अंडरस्टैंड पता कैसे चलेगा कि यार जो भी फैकल्टी हमें पढ़ाएंगे एक्सपीरियंस क्या है जो भी इंस्टीट्यूशन के साथ आप बात कर रहे हो ना ठीक है उनके कंसल्टेंट या काउंसलर से पूछो कि सर आप अपने ट्रेनर फैकल्टी का नाम बताएं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी होता है कि यार अगर हम अपने ट्रेनर का नाम बता दिए तो वो हमारे ट्रेनर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। फिर भी उन्हें कन्विंस करो कि बोलो सर जिन गुरु से मैं सीखने वाला हूं एक्चुअली मुझे उन गुरु का नाम तो बताओ। फिर वो गुरु जी का नाम आप लिंक्डइन पे टाइप कर सकते हो गूगल पे टाइप कर सकते हो देख सकते हो ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो कितना प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग को अपने इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनका रोल क्या है किन किन कंपनियों में जॉब किया है उनका रोल्स क्या था कितना साल का एक्सपीरियंस है क्या वो फ्रेशर है 2 साल 3 साल 10 साल 12 साल कितना उनका एक्सपीरियंस है क्या वो अगर सोशल मीडिया हमें पढ़ा रहे हैं तो क्या वो खुद सोशल मीडिया प्रैक्टिशनर है अगर वो एडवर्टाइजमेंट हमें पढ़ा रहे हैं तो वो खुद कितना एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं प्रैक्टिकली। अगर खुद का बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं वो ट्रेनर तो यार जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं ठीक है तो उनके लिए क्या क्या कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करोगे ना तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं आपका जर्नी आपके मेंटर के साथ होने वाला है नॉट विद द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन ब्रांड के साथ मत फंसो ठीक है यू हैव टू सी कि हु इज गोइंग टू हैंडहोल्ड यू कौन आपका हाथ पकड़ के इस इंडस्ट्री में आपको यू नो बेबी स्टेप्स लेते हुए आपको सक्सेस के पाथ की तरफ ले जाएगा वो होगा आपका ट्रेनर। उसका एक्सपीरियंस जानना बहुत जरूरी है फैकल्टी एक्सपीरियंस। देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज एल्यूमनाई सपोर्ट। एल्यूमनाई सपोर्ट पूछो कि सर जो 4 महीने 6 महीने का जो प्रोग्राम होगा उसके बाद हम पास आउट हो जाएंगे फिर रियल वर्ल्ड में जाएंगे हम लोग इंटरव्यू फेस करेंगे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे आप एल्यूमनाई को कैसे सपोर्ट करते हो क्या सपोर्ट प्लेटफॉर्म है क्या आपके पास कोई फोरम है या कोई ग्रुप है या डेडिकेटेड आपका कोई ऐसा कनेक्शन या लाइन है जहां पे आप रेगुलर बेसिस पे यू नो एलुमनाई को सपोर्ट करते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं
जहाँ पे एलुमनाई सपोर्ट के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे ऑन गोइंग एलुमनाई ट्रेनिंग होता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत चेंज होता है गाइस। आज जो आप कर रहे हो ना, दो महीने के बाद और वो नहीं रहेगा। जो स्ट्रैटेजी अभी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, दो महीने के बाद वो स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा। अभी जो प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हो, प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं आउटडेटेड हो गया, मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाए। सो एलुमनाई सपोर्ट प्रोग्राम हैज टू बी देयर। कल को कहीं पे जॉब में आपने इंटरव्यू दिया, लेट से आपका कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप एडवाइस चाहते हो, तो ये एडवाइस लेने का क्या मैकेनिज्म है? एलुमनाई सपोर्ट प्रोग्राम कैसे है आपका कि आपने पिछले स्टूडेंट, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रेन कराने के बाद भूल गए, आपने फील या ट्रेन कराया भूल, आप सिर्फ बैच पार कराने में लगे हो? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिफोर यू चूज एनी इंस्टीट्यूशन गाइस। एलुमनाई सपोर्ट, देन कम्स रिव्यूज। ऑफकोर्स रिव्यूज मेक सेंस। आज के डेट पे बहुत सारे लोग ना रिव्यूज को भी फेक कर रहे हैं, रेटिंग्स फेक ले रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स भी फेक कर रहे हैं। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप कोई भी रिव्यू देख रहे हो गूगल पे, कोई भी इंस्टीट्यूशन का, ट्राई टू टॉक टू एटलीस्ट वन और टू पास आउट और एलुमनाई स्टूडेंट, उनसे बात करो कि क्या है, शुड आई गो हेड और नॉट। इट्स अ बेस्ट आइडिया गाइज। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू शुड चेक द सक्सेस स्टोरीज एंड ऑल्सो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो। लोग उन लोगों के साथ आप सोशल मीडिया के, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो पास आउट हो चुके हैं उस इंस्टीट्यूशन से, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, देन ऑफकोर्स वो लिंक्डइन के ऊपर होंगे। उन्हें पिंग करो, उनसे आप यू नो फीडबैक लो कि वेदर आई शुड ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन और नॉट, हाउ इज द इंस्टीट्यूशन एक्चुअली सपोर्टिंग और नॉट। तो ये सारे चीजों को पूछो, सिर्फ रिव्यूज देखने से नहीं होगा बाबा, उनके साथ डिस्कशन करो। देन कम्स ऑफकोर्स कोर्स सिलेबस एंड लेंथ। कोर्स सिलेबस बहुत मैटर करता है, क्यों आई विल टेल यू। देखो गाइज, अगर मैं बात बोलूँ, ठीक है, मार्केटिंग फंडामेंटल्स, एडवर्टीजमेंट, SEO, ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन, वीडियो एड्स, वीडियो एडवर्टाइजमेंट सीक्वेंस, बॉट मार्केटिंग, कन्वर्जन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग, एजेंसी बिल्डिंग, ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, आप इसे हॉरिजेंटली देखते हो, हॉरिजेंटली देखते हो, हॉरिजेंटली नहीं देखना। हॉरिजेंटली देखोगे ना तो यार सारे इंस्टीट्यूशन का सिलेबस आपको एक जैसे लगेगा। नो, आपको वर्टिकली देखना है कि भाई SEO अगर है तो SEO को वर्टिकली आप कितना वर्टिकली आप कितना इन डेप्थ जा रहे हो। अगर आप कीवर्ड रिसर्च पढ़ा रहे हो, क्या आप ई कॉमर्स का कीवर्ड रिसर्च पढ़ाओगे, क्या ब्लॉग का कीवर्ड रिसर्च पढ़ाओगे, लैंडिंग पेज का कीवर्ड रिसर्च पढ़ाओगे? अगर आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर जा रहे हो, क्या आप रिटारगेटेड एड्स का हमें फंडा सिखाओगे, क्या आप स्टोरी टेलिंग एड्स हमें दिखाओगे, क्या प्रोग्रामेटिक एड्स दिखाओगे, क्या आप हमें नेटिव एड्स दिखाओगे? तो डेप्थ पे जाइए, डेप्थ पे जाना बहुत जरूरी है गाइस, बहुत जरूरी। अगर सोशल मीडिया के अंदर जा रहे हैं, क्या आप हमें कॉपी राइटिंग सिखाओगे, क्या आप हमें क्रिएटिव डिजाइनिंग सिखाओगे, क्या आप एंगेजमेंट सिखाओगे, क्या टेक्निकलिटी सिखाओगे, क्या आप एग्रीगेटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें सिखाओगे, राइट? दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, क्या आप हमें UI क्या है सिखाओगे, क्या हमें UX सिखाओगे, क्या आप हमें वायर फ्रेमिंग सिखाओगे, अलग अलग बिजनेस का किस तरह से आप कस्टमर्स को मीट करके उनका रिक्वायरमेंट ले सकते हो वो सिखाओगे? अगर आप बिजनेस बिल्डिंग देख रहे हो सिलेबस में, पूछो कि सर आप क्या हमें क्लाइंट नेगोशिएशन सिखाओगे, प्रपोजल मेकिंग सिखाओगे, क्या हमें क्लाइंट कॉलिंग करना सिखाओगे, अपना पहला 10 क्लाइंट लेना है वो सिखाओगे? सो यू हैव टू गो इन डेप्थ, क्योंकि यार फ्लैट में ना दिखता तो सब सेम है, लेकिन यार कोई कोई बेसिक से पढ़ा देंगे, ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से, कोई अंदर जाएगा ही नहीं। तो इट इज द रीजन आई से द फैकल्टी एक्सपीरियंस मेक्स सेंस गाइस। वो बंदा जो इंडस्ट्री में काम किया हुआ है ना, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा आपके साथ, वो अपने फेलियर स्टोरी, सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा, वो अपने कैंपेन्स को खोल के दिखाएगा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। करियर का बात है भाई, लाइटली ले लो, लाइटली नो, इट्स नॉट द मैटर ऑफ कॉस्ट, इट्स द मैटर ऑफ करियर। आप एक कोर्स नहीं लेते हो, आप एक लाइफ को ऑप्ट कर रहे हो जो आप सोच रहे हो कि कोर्स के बाद आपको मिलने वाला है। सो डोंट नेगोशिएट। ये सारी चीजों पे आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। कोर्स सिलेबस एंड लेंथ। कोई कहेगा 7 days डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 20 days डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। भाई डिजिटल मार्केटिंग एक बिजनेस का फंक्शन होता है। IIM में लोग 2.5 साल पढ़ते हैं मार्केटिंग इन डेप्थ। 7 days में तुम क्या करोगे? हाँ, 10 days में क्या करो? एटलीस्ट यू हैव टू डिवोट एटलीस्ट 4 to 6 months ऑफ टाइम अगर अपना एक कॉन्क्रीट करियर बनाना चाहते हो। उसके नीचे नॉन नेगोशिएबल यार, उसके नीचे, अरे यार तुम कॉपी, यार एक वेब डेवलपमेंट का लैंडिंग पेज का साइकोलॉजी समझने के लिए तुम्हें 7 दिन लगेगा, उसे इंप्लीमेंट करके सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वीडियो मार्केटिंग का साइकोलॉजी माइंडसेट आने में तुम्हें यार लग जाएगा 6-7 दिन। एंटरप्रेन्योरशिप एजेंसी बिल्डिंग माइंडसेट के लिए लग जाता है यार 15-20 दिन। दैट टू ऑन रिगोरस मेंटोरशिप, रिगोरिंग रिगोरस। अगर जब तक आपके पीछे आपका मेंटोर नहीं लगेगा तब तक वो माइंडसेट नहीं आएगा। 7 दिन में क्या होता है भाई? यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंफॉर्मेशन से ही लोग अगर आगे बढ़ जाते हैं ना, देर आर 1.5 करोड़ आर्टिकल हाउ टू बी ए मिलेनियर
क्या सब कोई मिलियनेयर बन गए क्या? इंफॉर्मेशन कैन नॉट चेंज लाइव्स, इंफॉर्मेशन कैन नॉट चेंज लाइव्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक ए सिक्स पैक्स एप्स। यार 10-20 लाख आर्टिकल्स पढ़े तब सब कोई क्या बॉडी बिल्डर बन के घूम रहे क्या? यूट्यूब के ऊपर हाउ टू लूज बेली फैट कितना सारा वीडियो पड़ा है, क्या आप बेली फैट लूज करते हो? नो, इन्फॉर्मेशन कैन नॉट चेंज लाइफ, बट यस अकाउंटेबिलिटी शुड चेंज लाइफ कि आपका ग्रोथ कहाँ हो रहा है, कहाँ पे आप फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हो, ये सारा चीज ना इंपॉर्टेंट होता है। इफ इट इज अ लाइव क्लास, इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिकलिटी अच्छा है, एंड ऑफकोर्स फैकल्टी इज गुड, सो कोर्स सिलेबस एंड लेंथ मेक सेंस। हाँ, देन कम्स ऑफकोर्स इंटर्नशिप। आज के डेट पे ना कोई भी फ्रेशर को लेना नहीं चाहता, कोई भी कंपनी एमएनसी में जाओगे वो कहेगा कुछ एक्सपीरियंस दिखाओ। ऐसा कोई फंडा है क्या? आप जिस इंस्टीट्यूशन के साथ बात कर रहे हो कि डू यू हैव यू नो एनी काइंड ऑफ मेथड कि आप हमें इंटर्नशिप दिला सकते हो? क्योंकि यार प्रैक्टिकल चीजों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टू इन ए हीटेड अप कॉर्पोरेट एनवायरमेंट, हीटेड अप बिजनेस एनवायरमेंट। अब मैं आपको बोलूंगा मेरे को एसयू आता है, मैं क्लाइंट का प्रोजेक्ट देता हूं, हैंडल करो राइट आपको पता ही नहीं यार एक बैकलिंक को क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है। एजेंसी एनवायरमेंट में 30-50 बैकलिंक आपको ऑन डेली बेसिस बनाना रहेंगे यार। एडवर्टाइजमेंट आता है मेरे को, भाई पता नहीं कहीं से एक स्कैम एड कॉपी लिया, एड अकाउंट बैन हो गया, क्या करोगे, कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन? ठीक है, किस तरह से आप रिपोर्टिंग होती है कंपनी के अंदर ऑन डेली बेसिस, किस तरह से आप वीक ऑन वीक ग्रोथ रिपोर्ट एनालिटिक्स से निकाल के दे सकते हो? सो ऑल दिस थिंग्स यू नो यू विल लर्न इन एन इंटर्नशिप। वर्क एनवायरमेंट का जो हीट होता है ना उसको फील करके आप ग्रो करोगे इंटरनली एंड एक्सटर्नली, राइट? बिकॉज हम लोग क्यों कर रहे हैं यार प्रोग्राम, या क्यों ट्रेन हो रहे हैं? टू फेस द रियल वर्ल्ड चैलेंज, राइट? टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गाइस, जस्ट टॉक टू देम वेदर विल यू गिव मी इंटर्नशिप और नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स जॉब सपोर्ट एंड बिजनेस सपोर्ट। क्या आप मुझे जॉब के लिए तैयारी करोगे? अगर कल को मेरा इंटरव्यू है, क्या आप मुझे हेल्प करोगे कल इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए? क्या आप मेरे को मेरा सीवी बनाने में हेल्प करोगे? विल यू सेंड मी इंटरव्यू स्केड्यूल्स? आपका बिजनेस है, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे कि बिजनेस में मैं एक वीक में क्या करने वाला, कमिंग वन मंथ का प्लान बनाने में हेल्प करोगे क्या? कल को अगर मेरे को बिजनेस में ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है तो आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ये नहीं कर पाते क्योंकि हर एक बिजनेस अलग होता है, राइट? और उनका ऐसा एक्सपीरियंस और उनका ऐसा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता कि सारे हर प्रकार के बिजनेस को सपोर्ट कर सके। तो पूछो कि भाई अगर कल को मैं अपना एजेंसी बिल्ड कर रहा हूं या मैं अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो विल यू बी हेल्पिंग मी एंड हाउ विल यू हेल्प मी? व्हाट इज द फंडा, कैसे मुझे हेल्प करोगे? हेल्प करने का उनका प्लेटफॉर्म क्या, हेल्प करने का कैसे आपका कम्युनिकेशन आप बिल्ड करोगे? सो बिजनेस सपोर्ट एंड जॉब सपोर्ट हैज टू बी देयर। देन स्टडी मटेरियल, भाई स्टडी मटेरियल इज अ मस्ट। आई रिकमेंड द कंपनी शुड बी हैविंग अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS जिसे कहते हैं, PDF VDF नहीं। आर यू प्रोवाइडिंग लाइव क्लास का जो भी हम क्लास में लिए उसका रिकॉर्डेड वर्जन ताकि मैं उसको पढ़ सकूं? क्या आप जो हमें LMS या तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दोगे, क्या वो लाइफ टाइम के लिए एक्सेसिबल रहेगा इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे? जैसे आपने 6 महीने पहले कुछ ट्रेनिंग लिया, ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन का कोई ट्रेनिंग लिया है, आपको 6 महीने के बाद जरूरत पड़ा, अगर उसको आप प्रीफर कर रहे हो, क्या वो स्टिल अपडेटेड है या नहीं? सो स्टडी मटेरियल इन फॉर्म ऑफ वीडियो मटेरियल जो आपने पढ़ा है सेशन के अंदर, क्या वो सारी चीजों को आप हमें दोगे क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लास में क्या होता था ना, लोग नोट्स बना देते, कितना नोट्स बनाओगे भाई, ओल्ड स्कूल मेथड छोड़ो। आर दे रिकॉर्डिंग एवरी सेशन एंड गिविंग इट टू द स्टूडेंट इन एन ऑटो अपग्रेडेबल? मतलब 3-6 महीने के बाद गूगल का कोई EAT या लेट्स से यू नो वेब वाइटल का कोई नया एल्गोरिदम आ गया, ठीक है, उसका एक अपडेटेड क्लास हुआ है, क्या वो क्लास आपके एलुमनाई लोगों को अवेल हो सकता है क्या? यू हैव टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस बडी, यू हैव टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस। And full and final, last but not the least, what should you pay for a course? What should you pay for a course? I would recommend, guys, investment is education is investment in your future. Agar aap us pe moderate ho rahe ho, देखो यार, to be very frank, IIM में, IIT में लोग इतना ज़्यादा तैयारी करके, साल दो साल coaching में जाके तैयारी करके, फिर 10-20 लाख क्यों वहाँ पे fee देते हैं? Only because of quality. If all these things are present, you shouldn't hesitate to invest on yourself. Kyunki I'll tell you, the best investment in your life should be investment on yourself.
सो आई वुड रिकमेंड कि समवेयर अराउंड 20,000 टू 1.5 लाख रुपीस के रेंज में ना इन इंडियन इकोसिस्टम कोर्सेस चार्ज कर रहे हैं। आप डिपेंड करो, आप सोचो कि आपका बजट कैसा है, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑल दिस थिंग्स। 300, 500, 800, 2,000, 1,000 में बहुत लोग रिकॉर्डेड मटेरियल्स बेच रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आई नो वी ऑल्सो रन एन अकेडमी, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी ये सब कुछ करके आते हैं, बट दे आर एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी अकेडमी के साथ जुड़े नहीं है, वो किसी कोर्स सेलर के साथ जुड़े हुए, जिनका मेन गोल होता है सिर्फ कोर्स को बेचना। सो गाइज, आई होप द वीडियो वॉज वेरी यूजफुल एंड अ वेरी क्विक अपडेट। आपने ये सारे फीचर्स को देखा। आई वुड लव यू टू रिव्यू वन मोर थिंग। आई वुड लव टू रिव्यू कि आप एडमी का सिलेबस मैंने दिया है, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, सिलेबस को डाउनलोड करो एंड फिक्स अ मीटिंग विद द कंसल्टेंट। और अगर आप सीरियस हो सीखने के लिए, देन ये सारे चेकलिस्ट को चेक करो कि हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन हेल्पिंग यू टू ग्रो, राइट? चेक कीजिए और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन पे लाके यहां पे कमेंट कीजिए। इट्स एन अमेजिंग, ट्रेमेंडस, माइंड ब्लोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट सक्सेसफुल यील्डिंग, सक्सेस यील्डिंग प्रोग्राम गाइस। ये सारे चीजों को आप समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? एंड इवैल्यूएट द करिकुलम इफ यू आर रियली सीरियस टू लर्न एंड ग्रो। सो दिस इज आलोक भारतीय साइनिंग आउट। हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक्स अ लॉट।